हेलो डियर स्टूडेंट, इन दिस सीरीज वी डिस्कस अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन को आज हम लोग देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन, फिर हम लोग देखेंगे रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ये सारी टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे होंगे, टू वर्ड से मिलके बना है, RED, रेड और ऑक्स। RED मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, बोथ कंबाइंडली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। That is those reaction in which oxidation and reduction both reaction takes place simultaneously, such reaction is called redox reaction। ऐसी reaction जिसमें oxidation भी reaction हो रही हो और reduction भी हो रही हो, दोनों एक साथ reaction हो रही हो, तो ऐसी reaction को redox reaction कहते हैं। तो अब इस series में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कवर करेंगे, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कवर करेंगे, इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन पे आ जाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन की ढेर सारी एग्जांपल लेकर के हम इसको समझेंगे। तो आता है इसके लिए कॉन्सेप्ट, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं इसको देखेंगे ज़रा। क्लासिकल कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, और क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन के लिए भी और क्लासिकल कॉन्सेप्ट रिडक्शन के लिए भी। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। कहीं पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑक्सीजन का मैग्नीशियम से रिएक्शन हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड दे रिएक्ट विगरेसली टू द एटमॉस्फेरिक एयर, एंड फ्रॉम द एयर दे मेटल आर कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एंड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। व्हेन वी टेक कॉपर देन कॉपर गिव कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरीके से सोडियम का रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सोडियम का रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड, तो इसके लिए 4 बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा वे रिएक्शन कौन से रिएक्शन हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यदि ऐसा हो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स
अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन अगर होता है तो भी रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। जैसे मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तो मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है क्लोरीन, इसका एडिशन हो जा रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि दिस इज अ ऑक्सीडेशन। यदि हम थर्ड की बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कहीं पे हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो रहा होगा तो भी हम उसे क्या समझेंगे? ऑक्सीडेशन समझेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर कहीं होगा तो भी रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन होगी। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कर दें तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन रिमूव होकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, दैट इज H2O प्लस सल्फर। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। फोर्थ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा तो भी क्या होगा? अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के लिए भी ऑक्सीडेशन। और इसके लिए एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन, अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कर देंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। जितने भी मेटल होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, तो पोटेशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इसका इससे रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2 इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है, पोटेशियम एटम रिमूव होकर के इसके साथ कंबाइन होकर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना ले रही है। तो पोटेशियम का रिमूवल होकर के इस यहाँ से हाइड्रोक्साइड से जुड़ जा रहा है, तो पोटेशियम का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे इस रिएक्शन को कहेंगे इसके टर्म में ऑक्सीडेशन। सम अदर कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन, कुछ अदर कॉन्सेप्ट जैसे हम देखें, अगर हम कहें कि इफ़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे हो रहा हो, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे होगा तो भी हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या किया? लॉस किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है सोडियम के द्वारा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे हो रहा हो तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और 6 नंबर पे यदि बात करें तो कहीं पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही होगी तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जैसे एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन में यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 होती है। तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है? 0 होती है। याद रखिएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है? 0। और यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम आयनाइज करेंगे तो IH+ इस पर +1 आएगा, इस पर -1 आएगा, तो यहाँ पे 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है।
और कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज जो हो रही हो तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इस तरीके से देखे 6 कॉन्सेप्ट हम लोग टोटल देखे, 4 क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखे और 2 अदर कॉन्सेप्ट देखे हैं, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो कहीं पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन, कहीं पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन, और कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन, और कहीं पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन, और कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन, और कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से भी हम लोग क्या समझे, हम लोग समझ गए हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होगी, कब रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब हम लोग देखेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। तो फर्स्ट क्या है, इफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। जैसे H2S का रिएक्शन ब्रोमीन से कराएं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो HBr इज फॉर्म्ड, और इसके बाद HBr इज फॉर्म्ड प्लस सल्फर, बैलेंस करने के लिए इसे कर देंगे तो HBr यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो जा रहा है ब्रोमीन से, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकेंड और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एल्कीन है, एल्कीन का रिएक्शन यदि हाइड्रोजन से करेंगे तो ये बन जाता है एल्कीन CH3। तो इस तरीके से यदि हाइड्रोजन का कहीं पे एडिशन होता है तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, रिडक्शन। सेकेंड इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी होगा तो भी रिडक्शन होगा। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में जैसे 2HgCl प्लस SnCl2 एक्वस गिव Hg2Cl2 प्लस SnCl4 एक्वस। यहाँ पे देख रहा है कि 2HG है, यहाँ पे Hg2 बदल जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो जा रहा है, एडिशन हो जा रहा है। 2HG मिलकर के एक HG मलिक्यूल H2 ट्वाइस बना ले रहे हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, एडिशन हो जा रहा है, और एडिशन हो जा रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। और थर्ड कॉन्सेप्ट है अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भी क्या होगा, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भी क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिमूवल करा दें ऑक्सीजन से तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2।
तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये टू सी यू ओ प्लस एच टू रिएक्ट टूगेदर क्यू सी यू एच टू ओ। तो इस तरीके से ये भी क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन होगा, और यदि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होंगे तो भी क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होंगे तो भी क्या होगा, रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल टू एफ ई सी एल थ्री सल्फर डाइऑक्साइड एच टू ओ गिव टू एफ ई सी एल टू प्लस एच टू एस ओ फोर और प्लस एच सी एल। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन है, और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमूव हो गया है टू क्लोरीन, क्या हो रहा है, रिमूव हो गया है, तो सी एल थ्री से सी एल टू बना रहा है। इसका मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हुआ है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। इसके बाद सम अदर कॉन्सेप्ट, सम अदर कॉन्सेप्ट, सम अदर कॉन्सेप्ट, सम अदर कॉन्सेप्ट क्या है, फिफ्थ नंबर पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टू इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना ले रहा है, ओ टू माइनस, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं होता है तो भी क्या होगा, तो भी होगा हाइड्रोजन प्रोटॉन इक्वस प्लस वन इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना लेगा एच टू हाफ एच टू। तो इलेक्ट्रॉन गेन कहीं भी होगा तो उसे क्या समझेंगे, रिडक्शन। और सिक्स पॉइंट है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी तो भी क्या होगा, जैसे एच टू प्लस सी एल टू गिव टू एच सी एल, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, क्लोरीन की जीरो, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन, तो क्लोरीन की जीरो से माइनस वन हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी, क्लोरीन की जीरो है, यहाँ पे क्लोरीन की माइनस वन है, और क्लोरीन की माइनस वन है, और कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी तो रिडक्शन होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कौन ऑक्सीडेशन होगा और कौन रिडक्शन होगा। इस तरीके से एक बार समराइज करते हैं, तो कहीं पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो रिडक्शन, कहीं पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो रिडक्शन, और कहीं पे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो रिडक्शन, और कहीं पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा तो रिडक्शन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगी तो रिडक्शन।